न्यूज़ अगर फैल रही है तो वो सिर्फ झोपड़पट्टियाँ दिखा रहे हैं। ये इतनी बड़ी बड़ी यहाँ खून पसीने की जो बिल्डिंगें बनी है ये क्यों नहीं दिखाई जा रही? लोगों को पता लगना चाहिए कि वो सिर्फ झोपड़पट्टियाँ नहीं, हमारे माँ बाप की जो खून पसीने की कमाई है ये सब उजाड़ना चाहते हैं। हम यहाँ से एक इंच नहीं हिलेंगे, अपने घर ही नहीं, मैं अपने स्कूल का भी कुछ नहीं होने दूंगी। ये रेलवे की ही जगह थी, रेलवे अब तक सो रही थी, क्यों नहीं जागी थी अब तक? और आप जागी है तो ऐसे जागी है कि विनाश करने पे लगी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगर बेटी रोड पे खड़ी होगी, अगर अपने बोर्ड के एग्जाम हमारे सर पे रखे, हम कैसे पढ़ाई करें? यहाँ खड़े हो या हम अपनी पढ़ाई करें, किसी औरतें खड़ी हुई है उसी तरह से हम भी अटल रहेंगे, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। भले से लॉकडाउन लग जाए, चप्पल छोड़ के जाएंगे, लेकिन यही रहेंगे। कई चैनल ये दिखा रहे हैं, देखिए गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि हम जिहाद कह रहे हैं हमें। अरे हमारे घर वाले, हमारे आदमी अपने घरों के कारोबार छोड़ के सुबह को जाते हैं, शाम को आते हैं, उसके बाद यहाँ पर हम खड़े हैं और हमें जिहाद कहा जा रहा है? हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं तो हमें जिहाद कहा जा रहा है? फिर नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जब भविष्य ही खराब हो जाएगा तो बेटी कहाँ पढ़ेगी, कहाँ जाएगी? बेटी आज रोड पे खड़ी है। तो अगर ये रेलवे की जमीन थी तो यहाँ सरकारी स्कूल नहीं बनने चाहिए थे, यहाँ सरकारी बैंक की नहीं आनी चाहिए थी, ना ही यहाँ पर लाइट के बिल देने चाहिए थे, ना ही यहाँ पानी के बिल देने चाहिए थे। अगर आपको नहीं हाउस टैक्स लेने चाहिए थे, अगर आपको इतनी दिक्कत थी तो आपको पहले खड़ा होना चाहिए था, आज आपका आकर कोई फायदा नहीं है। आप ये बताइए, अगर हम लोग रेलवे की जमीन पर हैं तो ये सरकारी स्कूल क्यों बनाया? यहाँ हमें इतनी हिम्मत क्यों दी गई? हमारे लाइट के बिल क्यों लिए गए? मतलब अब तक हमारा सारा पैसा जितना भी जा रहा है, अगर सरकार भी खड़ी है वो भी हमसे खड़ी है, जब तक हम नहीं होंगे तो सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। एक बात जो इसने कही वाजिब है, और हम सिर्फ घर के लिए नहीं खड़े, क्योंकि हम हमारा स्कूल है, हम अपने स्कूल के लिए भी खड़े हैं। जहाँ हमारा जो हमारा शिक्षा मंदिर है, हम उसको एक आँच नहीं आने देंगे। सिर्फ हमारे घर की बात नहीं है, सिर्फ हमारे घर की बात नहीं है, ये हमारा शिक्षा मंदिर है और इस जैसे न जाने कितने। यहाँ पे देखिए आप, कितनी पब्लिक है, क्यों है? अपने हक के नहीं है। सरकारी स्कूल क्यों बनाए गए? अगर इनमें पढ़ाने ही नहीं था, हमें बनाई क्यों? इतनी इतनी इमारत रखी क्यों आपने? रखते नहीं आप किसी, क्या मतलब सौतेला क्यों व्यवहार हो रहा है हमारे साथ? हमारे सामने ऐसा क्या किया है? और यहाँ पर हल्द्वानी इतना बड़ा सिटी भी नहीं है कि यहाँ पर इतना बड़ा रेलवे स्टेशन बने, तो इसके पीछे क्या कारण है? हम इतनी ढेर सारी लोगों को उजाड़ कर क्या कर लोगे यहाँ पर? कार्ड, पैन कार्ड, स्थाई जाति प्रमाण पत्र क्यों बनाने दिए गए? हम लोगों से हाउस टैक्स क्यों लिए गए? बिजली का बिल्स क्यों लिया गया? नमस्कार दोस्तों, मेरे पीछे एक सरकारी बालिका इंटर कॉलेज है।